तो ये हम लोग किलर सूप अभी परसों रिलीज हो रही है, 11 तारीख को, 11-12 तारीख को, हाँ 11 तारीख को रिलीज हो रही है, 12 बजे। 12 बजे ये प्यास है कि बुझती नहीं, ये कभी न बुझने वाली प्यास। मैं ये जो रास्ते पे जा रहा है उसको करूँगा तो मारेगा वो, कोई घंटा नहीं याद करने वाला है सर। तो वहाँ पे भूल जाता है कि प्रभाकर की आवाज़ क्या होती है, खाओ खाओ खाओ। तो ये लिख के देता था कितना, 25-25 लौंग, कितना ये, कितना उसका पूरा जाता था, फिर वो गिनते बैठता था, ये 25, 2, 3, 5, 6। तो ये मैं मनोज वाजपेयी के बारे में पहले बात बताऊं, मेरा इतना सीरियस नहीं अच्छा लग रहा तू। ओ एक्टर एज अ कैरेक्टर के बारे में इतना काम करता है, इतना काम करता है। मैं शूल में हम लोग देखे तो ये पागल जैसे काम करता था। मैंने बोला यार क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो उसको बहुत शौक है, बहुत शौक, मतलब ज़िंदगी उसकी उसमें है। तो ये हम लोग किलर सूप अभी परसों रिलीज हो रही है, 11 तारीख को, 11-12 तारीख को, हाँ 11 तारीख को रिलीज हो रही है, 12 बजे। 12 बजे हाँ। तो आप देखिए यार, फिर आपको पता चलेगा मैं क्या बोल रहा हूँ। तो इधर आप अभिषेक चौबे जी इनके डायरेक्टर हैं, तो ये से ऑफिस में उनको मिलने आया था। तो इतने सालों के बाद हम लोग साथ में काम कर रहे हैं, तो इसमें जो कैरेक्टर है इनका, तो एक आदमी में कितने आदमी रहते हैं। तो एक जो आदमी है वो नहीं लेकिन वो है, हाँ इस टाइप का कैरेक्टर। मैंने सुना यार इसको बहुत शौक रहा, अभी इसमें देखते हैं कितना करता, कितना सारी काम भूख करता, भूख भूख मिटा मिटा लेगा। तो ऐसा वो कैरेक्टर, और वो जितना काम करके करे, मैं देखा उसको, तो ये देखने का प्रोसेस था लाइफ लॉन्ग याद रहेगा, ऐसा ही सूप का जो प्रोसेस है मैंने लेगा। बड़ा देखा। क्या निकलेगी उसमें, देवदास की लाइन मुझे याद आ रही है, जो कि ये प्यास है कि बुझती नहीं, ये कभी न बुझने वाली प्यास। और आदमी के बारे में एक लाइन याद आ रहा कि तो एक एक आदमी के अंदर में कितना आदमी होता है, तो एक लाइन है किसी कवि की, हर एक आदमी में है 1000 आदमी। और हम लोग तो एक्टर हैं, तो हम हर आदमी के अंदर में कितने सारे आदमी हैं उसको पहचानने की कोशिश रहती है ना, हमको अपने अंदर में भी कोशिश रहती है कि हमारे अंदर में और कौन कौन सा आदमी है, कौन कितने मनोज हैं अंदर में। हम अगर उसको तलाशते रहेंगे तो मतलब ज़िंदगी छोटी पड़ जाती है, क्यों कितने सयाजी शिंदे हैं अंदर में। हमने तो ट्रेन कर लिया है अपने आप को कि ये सयाजी शिंदे है जो इस दुनिया में है, एक्चुअली है नहीं, हमारे अंदर में ही इतने लोग इतने बसे हुए हैं जो। और एक्टर तो उस मामले में ब्लेस्ड है, उन आदमियों को वो बाहर लेके आता रहता है, उसको मौका मिलता है और उन आदमियों को बाहर लेके आता है, उसको हम नाम देते हैं कैरेक्टर का, मतलब लेकिन वो है, वो एक एक्टर का एक्सटेंशन ही है, वो सयाजी शिंदे का ही एक्सटेंशन है वो कैरेक्टर, वो मनोज वाजपेयी का ही एक्सटेंशन है वो कैरेक्टर, है कि नहीं। मतलब एक्टर तो बचपन से शुरू होता है, जब बच्चा पैदा होता है और हाँ रोता है दूध के लिए तभी एक्टिंग शुरू होता है, और क्या, बात करता है तभी एक्टिंग शुरू होता है, और आदमी है तो सामने वाले को कैसा बकरा बनाना या हाँ अच्छा खाना बिल्कुल लेना देना, इसके बारे में सब एक्टिंग है। और सब एक्टिंग है। एक आप बाहर निकलते हो किसी डायरेक्टर के पास जाते हो तो एक एक अलग ढंग से आप, एक अलग ढंग से आप पेश आते हो, उस ढंग से आप अपनी पत्नी के साथ नहीं पेश आते हो या अपने बच्चे के साथ नहीं आते हो, तो हमेशा हम कोई ना कोई रोल ही प्ले कर रहे होते हैं। लेकिन किलर सूप में मुझे ये पूछना है कि एक आदमी हूँ, मेरा एक कलर होता है, मेरा एक एक्सपेक्टेशन होता है, लेकिन अभी आपको क्या डिफिकल्ट लगा कि आप जो है वो है नहीं और जो आप बोल रहे हैं वो अलग है लेकिन हाँ है वो अलग है, तो ये कैसा मुश्किल होता है करने में, मतलब। ये बड़ा, मतलब एक चीज़ हमने डिसाइड किया था कि जो उमेश है जब वो प्रभाकर बनने की कोशिश करता है तो प्रभाकर तो है नहीं, वो तो उमेश है, ले और वो उमेश जो है वो एक्टर भी नहीं है, क्यों बहुत बढ़िया करेगा, मिमिक्री आर्टिस्ट नहीं है ना, बराबर, है या एक्टर नहीं है, तो उसने सब कुछ प्रभाकर का देखा हुआ है और एग्जैक्टली वैसा करेगा, वैसा भी नहीं है। तो वो हमने ये कोशिश किया है कि वो कभी कभी वो कोशिश कर, हर पूरे सीरीज में वो कोशिश करता रहता है प्रभाकर बनने की, लेकिन वो प्रभाकर है नहीं, ना वो साउंड, ना वो दिखता है, वो बीच बीच में अपनी आवाज़ भारी करता है, वो लंगड़ाता भी है, कितनी बार मैंने गलत पैर से भी लंगड़ाया है इसको।
कि बोल गया कि भूल गया कि भाई किस पैर से लगना था तो गलत तो वो मैंने जानबूझ करके किया ताकि जब लोग दो तीन बार अगर खुदा ना खास्ता उनको बहुत अच्छी लगेगी तो जब वो देखेंगे तो लगेंगे अरे मनोज वाजपेयी तो यहाँ पे गलत पैर से लड़ा रहा था, अरे यहाँ पे तो वो एकदम ही उमेश बन गया था। तो इस तरह की कोशिश तो इस एक तो आपको सोचना पड़ता है इसके लिए, लेकिन एट द सेम टाइम मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था ये करने में कि एक इस तरह का किरदार मिला है कि वो जैसे मनोज वाजपेयी सयाजी शिंदे बनने की एक्टिंग कर रहा है, और मनोज वाजपेयी कोई बहुत कमाल का एक्टर नहीं अपनी जाति ज़िंदगी में, तो सयाजी शिंदे के जैसा चेहरा तो दिखता है इसीलिए लोग मान जाते हैं कि हाँ वही है, लेकिन थोड़ा दिमाग ख़राब हो गया इसका इसीलिए ऐसा हो गया ये। तो वो कोशिश चाहे जितना भी करे वो सयाजी शिंदे की तरह से नहीं हो सकता है, एक आध चीज़ पकड़ भी लेगा पूरे दिन में लेकिन बाकी सब चीज़ों में वो गलत जाएगा। लेकिन एक लंबा सीरीज में काम करते वक्त अगर वो उमेश पक जाता है निजी प्रभाकर करते तो दोनों का इंटेंस जब एक्सप्रेशन होता है तो वो दिखाने में कैसा मतलब डायरेक्टर का और आपका दोनों का वो बड़ा कमाल रहा था कि जैसे एक सीन था उसमें एक सीन है कि जिसमें कि वो बोलती है इसको कि तुमने जो है मेरे लिए कुछ नहीं किया है, उमेश को बोलती है स्वाति कोंकणा का कैरेक्टर। तो ये इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका है कि ये पूरा अपना मास्क वास्क निकाल दे रहा है, जो गुस्सा आता है इसको तो उस समय ये भूल जाता है कि ये प्रभाकर है पूरे तरीके से। एक सीन है जैसे कि वो प्रभाकर की बेटी सयाजी शिंदे की बेटी के साथ बैठा हुआ है और बेटी जो है सयाजी शिंदे से झगड़ा करके आई है, तो वो उसको खिला रही है और ये भी सामने बैठा हुआ है उमेश प्रभाकर बन के। तो अब ये बोलना था कि खाओ खाओ, है ना प्रभाकर की आवाज़ में, तो वहाँ पे भूल जाता है कि प्रभाकर की आवाज़ क्या होती है, खाओ खाओ खाओ, खाओ। तो एक देखो एक्टर जो होता है ना, हम लोग मुझे लगता है कि जब हम एक खास उम्र क्रॉस कर जाते हैं ना तब हम एक्टिंग को एंजॉय करना शुरू करते हैं, जैसे तू भी करता है मैं देखता हूँ। उसके पहले हम सीखने और उसके टेंशन में इतना रहे कि हम एंजॉय नहीं कर रहे होते थे, सीखने के समय हम एंजॉय नहीं कर पाते हैं, सीखना नहीं क्योंकि हमेशा जो है ना स्ट्रेस रहता है, नर्वसनेस रहती है, ठीक होगा कि नहीं होगा। अभी वो सब चीज़ों से बाहर जा चुके हैं, अभी हम हम इंजॉय कर रहे हैं, हम खोजते भी हैं तो बड़ी इंजॉय करके खोजते हैं, और जब काम ख़त्म हो जाता है तो कहते हैं चल सया देखते हैं यार मटन भाकरी किधर मिलेगा, है ना। तो हम ज़्यादा त्रास नहीं लेते हैं, पहले त्रास बहुत लेते थे हर चीज़ का, और पूरे दिन सब अभी शूटिंग ख़त्म हो गया तो दिमाग में वही सीन चल रहा है, यार इसको ऐसे कर सकता था मैं, इसको ऐसे कर सकता था, अब नहीं सोचता हूँ। मुझे लगता है कि यार जितना काबिलियत थी और जितनी एनर्जी थी वो दे दी बराबर। मतलब मैं तो पहले दिन क्वेश्चन में आया तो सबसे इंटेंस सीन था कंगना का अपना, तो नहीं कि मैं मुझे सब पता चला कि तुम तो लोग सब झूठे हो, और इंटेंस सीन था और सडनली तैयारी करना था तो इंटेंस किया और सडनली कंगना का तो बीमार पड़ गए तो सीन रह गया, फिर वापस आ गए फिर वो किया, लेकिन वो फिर थोड़ा अलग तरीके से वो अभी तू वही बोल रहे अपन आप जो किया था नहीं और अच्छा करते और अलग करते हैं। राइट। तो पूरे दिन में जब हम 5 टेक मिलते हैं हम पूरा जान लगा के करते हैं, या उसी सीन को अगर तुम मुझे बोलो 10 दिन के बाद आके करने के लिए बिल्कुल अलग करता। तब तक वो 10 दिन में मेरे दिमाग में कई सारे और आइडियाज आ गए तुम, लेकिन मुझे मौका भी मिल रहा है उसको वापस करने के लिए, एक्सप्रेशन चेंज करने के लिए मौका मिल रहा है। बिल्कुल। लेकिन हम लोग इसके बारे में बात करें कि हम लोग अभिषेक चौबे जितने इंटेंस और अच्छे डायरेक्टर हैं उन्होंने किया, लेकिन हम लोग कोचिन में शूटिंग कर रहे थे, जाने आने में बहुत तकलीफ होती थी, हम लोगों ने दोनों को एक डॉक्टर बुलाया था। लेकिन मटन जो बना था उसके बारे में बताऊंगा। इसकी फादर की एक मटन रेसिपी है और वो होटल में बोलते थे कि चलो मटन बनाना है, आज खाली दिन है, छुट्टी है, तो 5 किलो मटन मंगाओ, तो ये लिख के देता था।
कितना 25-25 लॉन्ग कितना ये कितना उसका पूरा जाता था, फिर वो गिनते बैठता था ये 25, 2, 3, 5 और सब लोग ये वेट कर रहे थे कि अपने को ये कभी मिलेगा और ये कम बहुत खाता है। नहीं नहीं उसमें मज़ा आता है खिलाने में यार, खाने में मज़ा नहीं है क्योंकि आप बनाते बनाते खा जाते हो यार, बिल्कुल स्मेल इतना सारा स्मेल आ रहा होता है कि आप बनाते बनाते ऐसे ही पेट भर जाता है। मज़ा मुझे आता है कि मैं खूब सारा खिलाऊं और ज़्यादा से ज़्यादा खाए आदमी, ओवर ईटिंग करे वो तो मैं कितनी बार जो है लोगों को ज़बरदस्ती खिला देता हूँ। लेकिन इस वाले शूटिंग में पता है सबसे मज़ा क्या आया कि बीच बीच में जो ब्रेक होते थे ना उसमें मैं नए नए रेसिपी ट्राई करना शुरू किया। जैसे यखनी पुलाव मैंने पहली बार बनाया, मैंने भुना गोश्त पहली बार बनाया, मैंने आलू मटर पनीर का कुछ एक अलग वर्जन बनाया और वो मुझे सोशल मीडिया से निकाल निकाल के मैं बनाता रहा। फिर मैं बात कर रहा था किसी भाभी से तो उनसे वो उन्होंने बोला कि आप ये भी बना सकते हो, तो उनसे रेसिपी लिया। तो लोगों को खिलाना और लोगों के साथ बैठना, लोगों के साथ गप्पे मारना अब मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं काम के बाद ये करना मुझे मतलब कुछ नहीं, मैं ऐसा लगता है जैसे कि यार मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं सोचूंगा भी नहीं, मैं इसी मोमेंट में रहूँगा, इस मोमेंट में मैं और सया बैठे हैं ना, मैं इसी मोमेंट में रहूँगा। मैं ये नहीं सोचूंगा कि कहीं जाना है, कहीं पहुँचना है, यू नो कहीं कुछ जाके खाना है, नहीं। ये मोमेंट, ये वाला जो मोमेंट है ना इसमें जीना है मुझे, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं सोचना है वो ये। और खाना जब मैं बनाता हूँ तो वो मुझे मौका देता है कि मैं कुछ अलग जगह पे सिर्फ वही करूँ जो कर रहा हूँ, ना एक्टिंग के बारे में सोचूँ, ना परिवार के बारे में सोचूँ, ना किसी और किसी चीज़ के बारे में सोचूँ, सिर्फ उसी बारे में सोचूँ। इसीलिए इतना लौंग, इतना काली मिर्च, इतना धनिया, इतना जीरा, इतनी हल्दी, इतना नमक और इतना गैस इतना ही लगाना, ज्यादा तो नहीं हो गया, ज्यादा तो नहीं हो गया, इतना टाइम हो गया ना। किशोर कदम मुझ पे बहुत भड़कता था। तू एक दिन मुझसे बोला किशोर तू मेरी टांग खींचता है। मैंने कहा तुझे ऐसा क्यों लग रहा है तेरी टांग खींच रहा हूँ? नहीं, मेरे को ऐसा लगता है कि तू मेरा मजाक उड़ाता है। मैंने कहा तू दोस्त है, तेरे साथ हंसी मजाक नहीं करूँगा, तो मैं ये जो रास्ते पे जा रहा है उसको करूँगा तो मार ही ना। किशोर को ये बहुत था ना कि मैं इतना पढ़ता हूँ, मैंने कोई एक्टर ने पढ़ा नहीं, इतना मैंने पढ़ता हूँ। तो मैंने पूछा करेगा क्या इसका, इतना पढ़ के किसने इतना पढ़ रहा है, क्या जरूरत है। लेकिन ज्ञान अर्जित करना बहुत ज़रूरी चीज़ है, लेकिन जैसा मैंने कहा ना कि हम ये सब कुछ करते हुए हम जैसे मैं पढ़ता हूँ, देखता भी हूँ खूब सारा पढ़ता हूँ, खूब देखता हूँ और खूब सारा दुनिया के बारे में जानने की कोशिश करता हूँ। लेकिन मैंने बताया ना मुझे ज़्यादातर अब मज़ा आता है कि मैं कुछ नहीं सोचूँ, मैं मटन बनाऊँ, मैं कुछ आज नया रेसिपी ट्राई करूँ, मैं कोई बात ही नहीं करूँगा, ना मैं पढ़ूँगा ना मैं देखूँगा, मैं सिर्फ अब मैं निकल जाऊँगा, सतारा चला जाऊँगा। अब मुझे ऐसा फीलिंग, हाँ मुझे ऐसा फीलिंग होता है अब मैं जीवन के उस फेज़ में आ गया हूँ कि मुझे मज़ा आता है कि जब सतारा के तू बायोडाइवर्सिटी पार्क में तुम लोग लेके गए, जहाँ सह्याद्री देवराई का बहुत बड़ा काम वहाँ पे हो रहा है और पूरे के पूरे इलाके वो पार्क को इन लोगों ने जो है इतने पेड़ और इतने अलग अलग ढंग के पेड़ लगाए हुए हैं और उस पर लगातार ये लोग मॉनिटर करते रहते हैं। मुझे वहाँ पहुँच के मज़ा आ रहा था कि ये यार कुछ अलग हो रहा है, कुछ अलग ही हो रहा है। अभी मैं न्यू ईयर के लिए अपने गांव अपने फैमिली को लेके गया, अपने शबाना को और आवा को, तो मुझे उनको जंगल सफारी में लेके जाने में बहुत मज़ा आया। और मैं मुझे सिर्फ इतना था कि ये लोग खूब सारा इन्जॉय करें, ये पेड़ देखो, ये पेड़ वो जो बता रहा था गाइड जिसको हमने रखा हुआ था कि ये पेड़ जो है इसके ऊपर में ऐसे 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 करके एक दूसरा पेड़ लगा हुआ है, वो पैरासाइट है,
वो पेड़ को ऐसे लपेट लपेट के लपेट लपेट के वो पेड़ को सुखा देता है, सुखा देते हैं और पेड़ मर जाता है। तो मैंने कहा यार फिर क्या मतलब हुआ, तो कहता है कि नहीं ये भी एक बहुत ही कमाल की ब्लेसिंग है, जैसे ही ये पेड़ को खाते हैं ये पैरासाइट तो ऊपर से उतना खाली जगह मिलता है तो सन रेज आता है जंगल में, जो जब सन रेज आता है तो नए पेड़ निकलते हैं। तो हर चीज़ का एक मीनिंग है नेचर में। अभी मैं एक बताऊं, अभी अभय करके मेरा दोस्त है, दो अभय है, तो हम लोग डीप फॉरेस्ट रिजर्व फॉरेस्ट में गए थे, उधर कुटी होती है। तो मनोज है अपना दोस्त है, सच्चा दोस्त है, और सैयद अली देवरा का जुड़ा हुआ, दिल से जुड़ा हुआ है, मैंने बोला नहीं वो खुद आया है और उसको वो अच्छा लगता है इसलिए आया है। तो वो कुटी में 100 पेटियाँ बना रहे हैं, अभय करके एक दोस्त है उसका पेटी बनाने का ये है, तो वो कुटी के लोगों को गिफ्ट कर रहे हैं जो वन मजदूर रहते हैं उनको सामान रखने के लिए जगह नहीं, तो वो कब जाएंगे तभी आप आ जाना, मज़ा आएगा। वो ऐसे लोगों से और फैमिली के साथ जाएंगे तो डीप फॉरेस्ट में, नहीं नहीं जैसे कि मुझे मैंने लिख के लिया था कि सयादी मस्केवाड़ी सयादी देवराय और कहाँ कहाँ काम चल रहा है, किस किस गांव में इन लोगों का, साई खिंडी, चामरलेणी, टोकाईगढ़, लातूर, सातारा, कोल्हापुर, इन सब जगहों पे सयादी देवराय का काम चल रहा है। और मैं तो चाहूँगा कि यार पूरा महाराष्ट्र तुम्हारे साथ जुड़े और सयादी देवराय हर हर डिस्ट्रिक्ट में, हर पंचायत में अगर वो काम होता है तो पूरा महाराष्ट्र ग्रीन होगा, पूरा महाराष्ट्र ग्रीन होगा। ये जो पूरा ये लातूर एरिया, ये सब जो हम पानी की कमी और ये सारा सारी चीज़ें मतलब अचानक से ख़त्म हो जाएंगी। हमारे बिहार में जिस इलाके से मैं आता हूँ वहाँ पर तुम देखोगे कि इतने पेड़ हैं और वो नेचुरली है क्योंकि एग्रीकल्चर ही रहा है और वो गंगा के उस पार, वहाँ पे 100 फीट पे कहीं पे 150 फीट पे पानी आता है, मतलब वो बोरिंग करो ना तो पानी फक से फेंकता है ऐसे है। और इसलिए मुमकिन है क्योंकि वहाँ पे पेड़ बहुत हैं और जब बारिश का जब सीज़न आता है तो मतलब इतना पानी हो जाता है कि दिक्कत हो जाती है। लेकिन पेड़ होने का जो फ़ायदा है वो मैं देख चुका हूँ और मैं उसी जगह से आता हूँ। मतलब मैं तो अपने बचपन में कहता था यार ये जो हरा रंग है ना चाहो तब इससे मैं बोर हो गया हूँ। मतलब इतने आम, इतनी लीची, इतने केले, इतने सागवान, इतने पेड़ हैं। तो महाराष्ट्र मेरे ख्याल से जो सयादी देवराय का जो पूरा काम जाके सफल होगा जब महाराष्ट्र को इस पूरे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा ग्रीन बेल्ट माना जाए तब मज़ा आएगा। एक महाराष्ट्र पर्यावरण समिति बना रहे हैं, उतने महाराष्ट्र में बहुत अच्छे लोग काम करते हैं। मतलब जैसे कि औरंगाबाद में एक जन सहयोग संस्था है, उन्होंने 400 पेड़ लगाए और बहुत अच्छे अच्छे गार्डन किए हैं। तो ये जो मैं कल सुना कि दुनिया में हर सेकेंड को 1 एकड़ डेजर्ट हो रहा है, ऐसा वो वर्ल्ड का जो रिजल्ट निकलते हैं ना, वो कितना मतलब 40-50 साल के बाद जमीन उगने के लिए जमीन नहीं रहेगी, डेजर्ट होते जा रहा है। तो ये जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उसके लिए एक मीटिंग करना है, मैं आपको भी बुलाऊंगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की, जो अपनी नदियाँ सब खराब हो रही है तो उसके बारे में काम करना है। मैंने खाने का तुझे बहुत शौक है ना, तो इतना बनाने का शौक करता है, तो सूप कौन सा कभी बनाया है? पाया सूप, इसमें पाया सूप उसने इतना पिलाया मुझे, मतलब कोंकणा ने, क्योंकि शूटिंग में तुझे पता है ना, एक टेक में पिया अच्छा लगा तो आप जो है एक्टिंग करते करते ज़्यादा पी गए। अब डायरेक्टर ने कहा कि मनोज भाई एक और करते हैं, तो आपने सोचा कि यार वापस से पीना पड़ेगा, चलो पेट में थोड़ी जगह है पी लूँगा। फिर आपने पिया, फिर उन्होंने कहा कि अब दूसरे कॉर्नर पर कैमरा लगा के देंगे। मनोज भाई नहीं, वो आपको पीना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से दिख रहा है। तो अब वापस से तीसरा बोल चला गया अंदर, चौथे तक आते आते ऐसा लगता है कि सूप नाक से निकल रहा है आपके अंदर। तो मैंने इतना ज़्यादा सूप पिया इसमें कि मेरा मन ही बढ़ गया। लेकिन मुझे कौन सा सूप अच्छा लगता है मैं बताता हूँ, एक ना थाई सूप है वो है तोमखा,
वो मुझे इतना बढ़िया लगता है, इतना बढ़िया लगता है तोमखा सूप। एक गोवा में एक कोको थाई करके जगह है, वो कमाल की जगह, तू कभी जाना ना, सियोलिम में है, याद रखना अरविंद, याद रखना। गोवा में एक कोको थाई है सियोलिम में, और वहाँ पे एक थाईलैंड की औरत है जिसकी शादी हुई है उधर लोकल से, वो चलाती है ये, वो फैंसी भी नहीं है तो इसलिए ज़्यादा टूरिस्ट नहीं दिखते उधर, टूरिस्ट नहीं जाते उधर, लेकिन हम जाते हैं, मैं और मेरा परिवार जाता है, हमको बहुत पसंद है वहाँ खाना। वहाँ पे वो तोमखा जो सूप मिलेगा तुमको, वो मेरे ख्याल से इस पूरे हिंदुस्तान में वैसा वैसा सूप नहीं मिलेगा। पीने की बात करते, सूप देखने की बात करते, 11 तारीख 12 बजे सूप, हाँ, किलर सूप, किलर सूप मार डाला यार ये सूप ने। सूप आप देख लीजिए। हाँ, और क्यों देखेंगे सैयद, तू बता क्यों देखना चाहिए? क्योंकि कुछ प्रोजेक्ट होते हैं, कुछ प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं कि फिल्म ये सीरियल जो ऐसी चीज़ें की उसमें सारी कलाएं इकट्ठा आ जाती है, और वो सारे लोग अगर अच्छे हैं तो हमारा डायरेक्टर है अभिषेक चौबे, तो उसके वास्ते मुझे लगता है कि क्या काम करता है कमाल, मतलब ऐसा लगता है कि ऐसे डायरेक्टर होना चाहिए, तो उसको ना काम बराबर दिखता है, मतलब वो परफेक्ट काम दिखता है, तो मुझे एक्टिंग करते हुए तो ऐसा लगा कि ऐसे कितना कितना टाइप का चाहिए बोलो, और क्या करना है बोलो, वो खुशी होती है ना, वो खुशी मुझे आई। और एक पागल जैसे एक्टर में पहले से इसको भी इतना, मतलब हम लोग इतना एंजॉय करते थे ना, इतना कॉम्प्लिकेटेड रोल है इसका, एज एन एक्टर को इतना कॉम्प्लिकेटेड रोल, वो मैं एक बार मैं एज एन एक्टर काम करता था लेकिन मैं ज़्यादा देखता था, ऐसे एक्टर को देखना चाहिए, ऐसे एक्टर को सारे एक्टर लोगों ने देखना चाहिए कि ये कितनी कॉम्प्लिकेटेड रोल करता है, तो इसलिए किलर सूप देखना चाहिए। सयाजी शिंदे ने बोला मेरे बारे में, मतलब कमाल हो गया। मैं सारी बातें तो सयाजी ने कर दिया कि क्यों देखना चाहिए। देखिए OTT पर ना बहुत सारे कंटेंट बहुत है, बहुत सारे कंटेंट है, लेकिन मैं सया और मैं देखता बहुत हूँ, मैं बहुत देखता हूँ, पढ़ने की भी बहुत कोशिश करता हूँ, लेकिन मुझे ना किलर सूप के जैसी दुनिया नहीं देखी मैंने कभी, ऐसे रिश्ते नहीं देखे, तुमने देखे नहीं? नहीं, 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 मतलब पर्दे पे ना मैंने ऐसी दुनिया देखी है, ना मैंने ऐसे रिश्ते देखे हैं, ना मैंने ऐसे लोग देखे हैं। तो अगर आप लोग, मुझे लगता है कि पूरे दर्शकों को आकर के सिर्फ वो दुनिया देखिए, ये लोग देखिए, ऐसे रिश्ते देखिए जो आपने कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया है, और जब आप एक एपिसोड ख़त्म करते करते आप उस दुनिया में घुस चुके होंगे, और फिर उस दुनिया के लोगों के साथ, उनके बदलते हुए रिश्ते के साथ, आप पूरे 8 एपिसोड ख़त्म करने के बाद ही आप निकल पाओगे, और लेकिन एक चीज़ की गारंटी, जब निकलोगे तो कहोगे यार वापस से मैं इस दुनिया में जाता हूँ। क्योंकि वो जो है ना, निकलने के बाद आपको लगेगा कि वापस ट्रेन लेता हूँ और वापस फिर उसी जगह चलता हूँ। तो इस तरह के प्रोजेक्ट बड़े कम होते हैं, क्या लगता है कि जहाँ पर जो आप निकलने के बाद वापस से फिर से आप अपनी जर्नी शुरू करना चाहते हो, ऐसे प्रोजेक्ट बहुत कम होते हैं, इसलिए आप किलर सूप देखिए। और सह्याद्री देवराई, ये याद रखिए, सह्याद्री देवराई हमारा दूसरा एक काम है जिसके साथ हम उतने ही जुनून के साथ जुड़े हैं जितने जुनून से हमने अपने पूरे एक्टर के जीवन को जिया है। और देवराई, सह्याद्री देवराई का कोई लेना देना हमारे अपने से नहीं है, हमारा स्वार्थ कुछ पूरा होगा क्योंकि हम एक्टर बने, क्योंकि हमारा ड्रीम था एक्टर बनने का, लेकिन सह्याद्री देवराई का ड्रीम जो है वो दुनिया से जुड़ा हुआ है। मेरे पहले, सयाजी के पहले बहुत सारे एक्टर आए और चले गए, हम उनको याद नहीं करते हैं, कोई किसी को याद नहीं करता, हमारे काम हमारे बाद लोग देखेंगे नहीं देखेंगे, हम तो जा चुके होंगे, फर्क नहीं पड़ता है कि कौन देखेगा कौन नहीं देखेगा, आत्मा कहीं और जा चुकी होगी, शायद किसी दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाएगी, उसको याद भी नहीं रहेगा कि पिछला जन्म क्या था, लेकिन ये दुनिया रहेगी, लेकिन दुनिया किस रूप में रहे ये डिपेंड
आपके ऊपर करता है। किस रूप में आप दुनिया को छोड़ के जाना चाहते हो, किस रूप में चाहते हो कि आपके बच्चे के लिए दुनिया रहे या बच्चे के बच्चे के लिए दुनिया रहे, ये आप पे डिपेंड करता है। और मैं आपको सच में बताऊं, हमको फ़र्क नहीं पड़ता है अगर आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, हम तो अपना काम करते रहेंगे, सही है। हाँ, अगर आपको दुनिया बुरी स्थिति में छोड़ के जाना है और आपने डिसाइड कर लिया है, तो हम आपसे बात भी नहीं करना चाहेंगे, ठीक है, हम आप कन्विंस भी नहीं करना चाहते, लेकिन सोचिएगा ज़रूर कि आपके जाने के बाद आपका बच्चा किस दुनिया में काम करेगा और वो दुनिया कैसी होगी। अगर वो दुनिया सुंदर और अच्छी और स्वस्थ देखनी है तो सह्याद्री देवराई का काम आप लोग भी अपने हाथ में लीजिए, क्योंकि अगर आप अपने जीते जी अगर 1000 पेड़ लगा के जाते हो ना, तो आने वाली 10 पीढ़ी आपको याद करेगी कि ये फला का काम था। बाकी जो आप काम कर रहे हो ना, कोई घंटा नहीं याद करने वाला है सर, मैं आपको सच में बता रहा हूँ, ये सत्य है। हम बात कर रहे हैं कि हम क्या करके जाएं, हम क्या कॉन्ट्रीब्यूट करें। हमने बहुत ज्ञान अर्जित कर लिया, हमने बहुत काम कर लिया, हमने बड़े अवार्ड मिल गए, हमने बहुत अच्छे 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 रोल कर लिए, अभी भी कर रहे हैं। हमारे जाने के बाद हमारे पहले भी बहुत सारे बहुत कमाल कमाल के एक्टर आए और गए, बहुत कमाल कमाल के डायरेक्टर आए और गए। हम कितनी बार बैठ करके बात करते हैं उनके बारे में, नहीं करते ना, नहीं करते। लेकिन जब आप गेट के बाहर निकले हुए थे, एक बहुत बड़ा सा मोटा सा पेड़ है, उसके नीचे कम से कम रोज 400 लोग आके खड़े होते हैं, है ना, 100 साल फल, और वो पेड़ है 100 साल फल देता है। हाँ, वो पेड़ है, उसने पता नहीं कितने एक्टर देखे होंगे, कितने डायरेक्टर देखे होंगे, वो पेड़ है, पीढ़ियाँ देखी होंगे। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग सह्याद्री देवराय के साथ जुड़िए और अपने जाने से पहले कम से कम एक पुण्य का काम करो कि 1000 पेड़ लगा के जाओ, नहीं तो आपके होने का ना होने का क्या फ़ायदा है, क्योंकि ऐसे भी आप जी रहे हो फिर मर जाओगे, हमारा भी यही हाल होगा। लेकिन आप जब चले जाओगे तो कम से कम जो पेड़ की छाया में आपका बच्चा खड़ा होगा, उसके दोस्त खड़े होंगे, तो कम उसी बहाने याद किए जाओगे यार। क्या बात है।